हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि ज़्यादातर हम लोग बताते हैं कि जल्दी इन्वेस्टमेंट कीजिए, अर्ली एज में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। तो काफ़ी लोग ऐसे रह जाते हैं जिनकी एज 40 साल की है, 45 साल की उम्र है। तो उन लोगों के लिए मैं प्लान लेके आया हूँ इस वीडियो के अंदर कि अगर आपकी एज 40 साल से 45 साल के बीच में है, हालांकि ऐसा नहीं कि 40 ये जो फंडा है ये हर किसी के लिए काम करेगा, लेकिन डेडिकेटेड टू उनके लिए जो जिनकी एज ये है और वो इस समय काफ़ी ये महसूस करते हैं, रिग्रेट फील करते हैं कि हम काश म्यूचुअल फंड में पहले से इन्वेस्ट कर रहे होते तो आज हमारे पास काफ़ी कैपिटल होती। तो वो रिग्रेशन जो है ना, वो आपका इस एज में अगर आप आज से स्टार्ट कर देते हैं तो वो आपका जो रिग्रेट है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव के अंदर, यानी कि आप भी करोड़पति बन सकते हैं, लखपति कम से कम बन ही सकते हैं, ठीक है ना। तो कैसे बनेंगे आप इस वीडियो के अंदर जानेंगे, और आप जानेंगे कि आप 5,000 रुपये अगर हर महीने इन्वेस्ट करते हैं, मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपकी कैपिटल कितनी हो जाएगी इस वीडियो के अंदर आप सिखाएंगे, समझाएंगे, और आपका पोर्टफोलियो क्या होगा वो भी आप इस वीडियो के अंदर समझाएंगे, किस किस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है आप ये भी समझेंगे, यानी कि आपको कहीं दूसरी जगह पर जाने की जरूरत नहीं है, आप इसी वीडियो से समझ जाएंगे कि बेसिकली हमें करना क्या है, हमारे पोर्टफोलियो के अंदर कौन कौन से म्यूचुअल फंड होने चाहिए, कितने की SIP करनी है, कितनी कैपिटल बनेगी, आप सारी चीज़ इस वीडियो को जान जाएंगे, समझाएंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा, जल्दी से इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यदि आपको अगर पैसा लगाना है इस एज ग्रुप में, अगर आपको पैसा लगाना है तो पोर्टफोलियो हमारा कैसा हो इसकी बात कर लेते हैं, साथ में वो कौन कौन से म्यूचुअल फंड हो इनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, हम जब पैसा लगाएंगे तो हमारा जो पोर्टफोलियो होगा वो बैलेंस रहना चाहिए, यानी कि हमें सारा पैसा एक ही म्यूचुअल फंड के अंदर हमें नहीं लगाना है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, हम तीन कैटेगरी चूज करेंगे, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी होगी स्मॉल कैप, ठीक है जी, स्मॉल कैप होगी हमारी, देन मिड कैप होगी हमारी, ठीक है जी, देन उसके बाद होगी फ्लेक्सी कैप। हालांकि फ्लेक्सी कैप भी जब हम लार्ज कैप ले सकते हैं, लेकिन फ्लेक्सी कैप मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि फ्लेक्सी कैप में क्या रहता है कि मार्केट इसके अंदर, फ्लेक्सी कैप अंदर आपका स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप तीनों कॉम्बिनेशन होते हैं, और मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से इसमें जो रेशियो होता है वो कम ज़्यादा होता रहता है। अब ये आपको तीन कैटेगरी लेके चलनी है, आपको ज़्यादा एफ एन बट नहीं करनी है, ज़्यादा पचड़ों में नहीं पड़ना है, आपको 5,000 रुपये या 10,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करने हैं तो आप इस फॉर्मूले को अपना सकते हैं, और जो जो मैं म्यूचुअल फंड बताऊंगा आप उनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हालांकि वीडियो आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कीजिएगा, ठीक है। लेकिन एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर मैं भी आपको जानकारी दे सकता हूँ, आप इसको समझ सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, स्मॉल कैप के अंदर हम बात कर लेते हैं, तो इसके अंदर आपका एक तो SBI का म्यूचुअल फंड आ जाता है, SBI स्मॉल कैप, क्वांट का भी आ जाएगा आपका इसके अंदर, क्वांट स्मॉल कैप, ठीक है। निपोन इंडिया को भी आप कंसीडर कर सकते हैं, मैंने आपका यहाँ पे एक सेकेंड, निपोन इंडिया स्मॉल कैप, ठीक है जी, आप तीनों में से किसी एक फंड के अंदर डाल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। आपको एक फंड ये, एक फंड ये, एक फंड ये, ऐसे ही लेना है आपको, आप अपने पोर्टफोलियो को बना सकते हैं, ठीक है। अब मिड कैप की बात करें तो मिड कैप के अंदर आप देख सकते हैं आपका एक तो आपका हो गया मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, ये सारे प्लान आपके ग्रोथ प्लान रहेंगे और डायरेक्ट रहेंगे, ठीक है। कोई भी रेगुलर आपको प्लान नहीं लेना है, ना ही डिविडेंड प्लान लेना है, ये सारे प्लान आपको ग्रोथ प्लस डायरेक्ट प्लान लेना है, ठीक है। आपका लिखा आता है पूरा कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ग्रोथ डायरेक्ट प्लान, ठीक है, इस तरीके से, तो ऐसे लेना है आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप हो गया आपका इसके अंदर। इसके अंदर फिर आपका एक होगा HDFC मिड कैप फंड हो गया आपका, ठीक है जी। आप चाहें तो एक अगला, एक तीसरा आप जब कर सकते हैं वो आपका SBI का मैग्नम ले सकते हैं आप, ठीक है जी, SBI का, यानी कि आप इन तीनों में से भी एक फंड ले सकते हैं, ठीक है। फ्लेक्सी कैप की बात कर लेते हैं, तो फ्लेक्सी कैप में आपका रहेगा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, और अगला रहेगा आपका HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। हालांकि SBI का फ्लेक्सी कैप भी ले सकते हो आप, ठीक है, HDFC फ्लेक्सी कैप प्लस आप SBI का फ्लेक्सी भी ले सकते हो, मैं यहां लिख देता हूं SBI फ्लेक्सी कैप फंड, ठीक है।
तो ये आपका इनमें से आप कोई भी एक एक फंड ले सकते हैं, जिससे क्या हुआ कि आपका स्मॉल कैप के अंदर पैसा लगेगा, मिड कैप में लग जाएगा और फ्लैक्सी कैप में लग जाएगा। लेकिन एक चीज़ विशेष ध्यान रखनी है कि अब हमारी एज ग्रुप क्या है, हमें अपना एज ग्रुप के हिसाब से रेशियो को डिस्ट्रीब्यूट करना है। चूँकि 40 से 45 साल की बात कर रहे हैं, यानी कि हमें अपना पैसा ज़्यादातर इनके अंदर ज़्यादा रखना चाहिए, स्मॉल कैप के अंदर कम रखना चाहिए। हालांकि फिर भी हम 15 साल का लेके चल रहे हैं कि आप 40 साल की उम्र में आप पैसा लगा रहे हैं तो आप 55 साल की उम्र तक इन्वेस्ट कर रहे हैं, और 45 साल तक उम्र आप पैसा लगा रहे हैं 45 साल तो आप 45 से 5 50 हो गया और फिर 60, यानी 60 साल तक पैसा लगाएंगे 60 साल की उम्र तक, ठीक है ना। यानी अगले 15 साल के लिए पैसा लगाने वाले हैं, तो जब हमारा टाइम पीरियड 7 साल से ज़्यादा होता है तो हम स्मॉल कैप के अंदर भी हम ज़्यादा रेशियो रख सकते हैं। तो आप हालांकि फिर भी आप 30% आप इसके अंदर रख सकते हैं, 40 से 50 साल की उम्र के बीच में है तो ठीक है 30% इसके अंदर रख सकते हैं। आप मिड कैप के अंदर आप रख सकते हैं 40% रख सकते हैं इसके अंदर, और बचा हुआ 30% आप किसके अंदर रख सकते हैं, फ्लैक्सी कैप के अंदर रख सकते हैं। हालांकि ये एग्रेसिव इन्वेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ कि आप उम्र, ये आपकी उम्र है लेकिन आप एग्रेसिव इन्वेस्टर में समझ के चल रहा हूँ कि आप एग्रेसिव हैं, आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, इसलिए आप इसके अंदर ज़्यादा रेशियो रखा हुआ है। लेकिन आप बात करेंगे कि आपका रिस्क थोड़ा कम लेना चाहते हैं तो आपका यहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि 40% 30% देन यहाँ पे कम, यानी 20% भी आप रख सकते हैं इस समय, ठीक है। और जब जो यंग एज के लड़के हैं 18 साल 20 साल 25 साल 30 साल, वो इसके अंदर आपका 40% भी रख सकते हैं, 45% भी रख सकते हैं, इसके अंदर 30-35 रख सकते हैं, देन बचा हुआ इसके अंदर रख सकते हैं। बात ये आती है कि जितने लोगों के पास, जितना आपके पास टाइम पीरियड है, लंबा समय है, उतना ही आप रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी हो गई, ये फंड हो गए आपके। अब हम बात कर लेते हैं कि आप करोड़पति कैसे बन सकते हैं, जरा कैलकुलेशन करके समझ लेते हैं। तो देखिए, यदि आप मार्केट में पैसा लगाते हैं तो मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा देता हूं। यहां पे मान लीजिए आप 5000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, 5000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जितने भी मैंने आपको फंड यहां पे दिखाए थे, जितने भी फंड दिखाए थे, अगर आपका उनका एवरेज निकालोगे आप पिछले 10-15 साल का, तो वो आपको 16% निकल के आएगा लगभग। यानी कि आप 16% से भी यहां पे कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन चलिए ठीक है, मैं आपको 15 से ही करके दिखा रहा हूं, मैं आपको ज़्यादा लालच नहीं दे रहा, ठीक है ना। हमें लालच भी नहीं करना है, हमें ये देख के चलना है कि मार्केट ने अगर अब तक 15% का रिटर्न दिया है, 16% का रिटर्न दिया है, तो आने वाले समय के अंदर 17 का भी दे सकता है और 14 का भी दे सकता है। मार्केट है, मार्केट में कुछ भी पॉसिबल होता है, ठीक है। तो आपने 5000 रुपये हर महीने किए, 15 साल तक आपने पैसा लगाया, और आपने जो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो 15% हो गया। सॉरी, ये 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट पीरियड है, ये 15 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और 15% के हिसाब से आपने लगाया। कैलकुलेट कर लेता हूं मैं, तो आप देखेंगे कि आपका पैसा 9 लाख रुपए इन्वेस्ट हुआ, 5000 रुपए हर महीने से 9 लाख रुपए इन्वेस्ट हुआ, और 24 लाख की आपकी कैपिटल बन गई, मतलब रिटर्न गेन हुआ आपको, और जो कैपिटल बन गई आपकी बन गई वो 33 लाख की, ठीक है, 33 लाख की। यानी कि आपका 15 साल के अंदर ये 33 लाख रुपए बन रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा फिगर आउट कर देता हूं कि 15 साल के अंदर आपका बन रहा है 33 लाख, अगर आप 5 साल और कर देते हैं, यानी कि 20 साल कर देते हैं, तो आप देखेंगे आपका 20 साल के अंदर कितना हो रहा है, 75 लाख हो रहा है, 20 साल के अंदर 75 लाख हो रहा है। आप 30 साल कर देते हैं तो 30 साल के अंदर आपका 3.5 करोड़ रुपए हो रहे हैं आपके, 30 साल तक अगर आप इन्वेस्टेड रहते हैं तो 3.5 करोड़ हो जाएंगे, और 35 साल तो 7.40 करोड़। अब आप कहेंगे कि भाई 45 साल की उम्र में इन्वेस्ट कर रहे हैं और 30 साल तक और इन्वेस्ट करते हैं, तो मैं तो ये कहूँगा ना कि आप और जिए। मैं क्यों कहूँ कि आप 60 साल 70 साल जिएंगे, आप 80-100 साल जिएंगे तो आप 30 साल भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई दिख, हमेशा पॉजिटिव रहना सीखिए, ठीक है ना, पॉजिटिव रहना सीखिए, और वो पैसा आपके भी काम आएगा, आपकी फैमिली के काम आएगा, आपके रिटायरमेंट के काम आएगा, आपके बच्चों के काम आएगा, तो इन्वेस्ट करना एक अच्छी बात होती है। इसी तरीके से अगर आप 10000 रुपये हर महीने करते हैं, 10000 रुपये हर महीने करते हैं, तो 15 साल के अंदर 15% के हिसाब से आपके पास 67 लाख रुपए होंगे, और वही अगर आप 15 साल के अलावा 20 साल कर देते हैं तो 20 साल में जस्ट आपके पास 1.5 करोड़ रुपीज होगी। आप यह देखिए कि जैसे ही आपके 5 साल बढ़ते हैं वैसे आपका पैसा जस्ट डबल हो जाता है। जैसे आपको 15 साल के अंदर आपको 67 लाख था, यहाँ पे आपने 5 साल बढ़ा दिया, यानी 20 साल कर दिया तो 1.5 करोड़ हो गया। आपने फिर 25 साल के अंदर देखेंगे 1.5 करोड़ का भी ज़्यादा, यानी कि दोगुने से भी ज़्यादा हो गया, 3.3 करोड़ रुपीज़ हो गए। तो इस तरीके से आप अपने पैसे की वेल्थ बना सकते हैं, पैसे से पैसा बनता है मार्केट में, बस कंडीशन एक ही है कि आपको मार्केट में लगातार इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा पैसा, और आप अपने सपनों को, आप अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। दिक्कत क्या आती है कि हम लोग रेगुलर इन्वेस्टेड नहीं रहते हैं, हम 1 साल के लिए 2 साल के लिए इन्वेस्टेड करते हैं बड़े जोश और खरोश में, लेकिन बाद में फिर हम
SIP को बंद कर देते हैं, पॉज कर देते हैं, या कई सारे एक्सक्यूज आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है ना। तो जो इंसान लगातार लंबे समय तक इन्वेस्ट करता है उसकी कैपिटल बनने से उसको कोई नहीं रोक सकता है दुनिया के अंदर। तो अगर आपने अभी तक रिग्रेशन झेला है, रिग्रेट कर रहे हो आप कि काश हमने म्यूचुअल फंड पहले 10 साल पहले स्टार्ट कर दिया होता तो आज हमारे पास करोड़ों की कैपिटल होती, तो रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक्ट नाउ, आज ही से स्टार्ट कीजिए, आज से स्टार्ट करिए। और आपको कोई दिक्कत है, कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एंजल वन का लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन करके आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये फंड हैं, आपका जो भी एज ग्रुप है, मान लीजिए 5,000 पे आपको इन्वेस्ट करने हैं हर महीने, तो 5,000 में से 5,000 का 10% मान लीजिए 5,000 का 30% इसमें लगा दीजिए, 5,000 का 40% इसमें लगा दीजिए, 5,000 का 30% इसमें लगा दीजिए। जो भी आपका एज ग्रुप है उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं अपने रिस्क के हिसाब से। तो आपको मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।